इस 10 फ्यूचरिस्टिक गैजेट को देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलने वाला है, आई डोंट बिलीव दिस। अब यहाँ पे सबसे पहली है वो है सोमी की एक इलेक्ट्रिक कार। अब इसका नाम है XU7 और XU7 Max। अब मोबाइल वाले आदत शायद इसमें रह गई। खैर, अब इसमें आपको काफी सारे ऐसे अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है हाइपर OS। उसके साथ ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 265 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ पे ये सिंगल चार्ज में अप टू 800 किलोमीटर चलने वाली है। वैसे लुक में तो ये टेस्ला जैसी लग रही है, वैसे क्या लगता है आपको, टेस्ला को ओवरटेक कर पाएगी? अब इसे देखो भाई, ये एक सैमसंग की हेल्थ रिंग है। अब इसमें खासियत तो भाई काफ़ी सारे हैं, मतलब कि इतनी छोटे से फॉर्म फैक्टर में ये आपको एक्यूरेट हेल्थ डेटा ट्रैक करके देने वाली है, और ये डेटा आपको सैमसंग हेल्थ के ऊपर मिलने वाले हैं। वैसे क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होने वाली है, 25-30 हज़ार? कॉमेंट में जरूर से बताना। अब इसे देखो भाई, ये है ओप्पो के एयर ग्लास 3। अब देखो, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ की ऐसे ज़रूरत होने वाली है तो ये सारे काम आपको इस तरह से टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर देने वाला है, इस तरह से आपको दिखाई देगा कुछ। अब ये है इन्फिनिक्स का एक कलर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल, तो इस तरह से आप बैक को देखोगे तो यहाँ पर ये डिज़ाइन को चेंज करता रहेगा। अब ये भी इन्फिनिक्स का एक एयर चार्जर है, बेसिकली इस तरह से आप दूर रखोगे तो भी मोबाइल चार्ज होने वाला है। अभी इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम लग रहा है, अभी तो देखते हैं फ्यूचर में किस तरह से ये आगे बढ़ पाता है। अब ये एक ह्यूमन AI पिन करके कोई प्रोडक्ट है, बेसिकली हमने जो ग्लासेस देखे थे वो इस तरह से आपको ग्लासेस में ही दिखाई देगा, लेकिन इसको इस तरह से जेब में लगाने के बाद आप इस तरह से अपने हाथों में सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से इस उंगली की मदद से इसे एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ ही ये वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके सामने जो चीज़ है उसमें क्या रखा हुआ है, मतलब कि क्या डाला हुआ है, क्या न्यूट्रिशन वगैरह क्या, वो सारा दिखा देगा। अब इस कार को देख के आपको नॉर्मल कार लग रही होगी, लेकिन ये एक फ्लाइंग कार है। हाँ, वैसे उड़ा कर तो इसे नहीं दिखाया, बट इस तरह से वीडियो वगैरह है तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये फ्यूचर में इस तरह से वर्क करने वाले। बट अभी यार ऊपर भी लगता है कि प्राइवेसी खत्म होने वाली है। अब इस मोबाइल को देख के तो आपको एक नॉर्मल मोबाइल ही लग रहा होगा, सोचो यार आप 10,000-20,000 mAh का तो पावर बैंक यूज करते हो, लेकिन एक मोबाइल में ही आपको 28,000 mAh बैटरी मिल रही है। तो भाई ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बट सोचो यार आप ऐसे दूर लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हो और यहाँ पे ये मोबाइल बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, या फिर इस तरह से पिन को पूरे दिन लगा के बैठे रहते हो तो फिर ये आपके लिए है। अब इस मोबाइल का नाम है T-Mobile, और इसमें आपको कोई भी इस तरह से एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं, बेसिकली कमांड वगैरह देना होगा, और ये इस तरह से AI वगैरह का यूज़ करके आपको सब कुछ दिखाने वाला है। अब ये एक फेयर फोन है, मतलब कि इसमें जो इसका खास पॉइंट है वो है इसकी रिपेयरबिलिटी। अब इसकी खास बात है वो है इसे रिपेयर करना, यानी कि आप पूरी एक एक चीज़ को ओपन करके एक एक चीज़ को फिर से लगा सकते हो, तो ये इसे रिपेयर करने में काफ़ी इजी होने वाला है। लेकिन क्या लगता है, इसके लिए आप ज़्यादा पैसे पे करने वाले हो या फिर नहीं?